गुड आफ्टरनून क्लास, टुडे इज योर क्राफ्ट क्लास और आज हम क्राफ्ट क्लास में बैच बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ट्राई कलर सीट लेनी है। आप ट्राई कलर सीट में पेस्टल सीट में ले सकते हैं और ग्लेस पेपर में ले सकते हैं। सेकेंड आपको क्या चाहिए, फेविकॉल एंड सीजर। ठीक है, आपको इन्हीं की हेल्प से आज क्या करना है, बैच ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीट को बैक में लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप किसी बॉक्स या किसी कंपास का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंपास की हेल्प से मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और सर्कल को आप आराम से बैक साइड के सीट के बैक साइड में आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड एक साथ आपको बहुत सारे सर्कल कैसे कटिंग करेंगे, आपने ऐसे करना है। ठीक है, इसमें टू ही सर्कल आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले इन दोनों सर्कल को कटिंग करेंगे एंड उसके बाद जो स्पेस बचा है हम उससे थर्ड सर्कल निकालेंगे। ओके, सर्कल आप सर्कल का साइज छोटा या बड़ा भी रख कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर है। मैंने एक बॉक्स के हेल्प से किए हैं। ठीक है, ये किए एंड थर्ड वाला मैं यहाँ पर से कटिंग कर लूँगी। थ्री थ्री सर्कल आपने क्या करना है, ले लेना है। ठीक है, थर्ड सर्कल में यहाँ पर से कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, मैंने ट्राई कलर में सीट कटिंग कर ली है और एक वाइट सीट का आप क्या करेंगे, बेस लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने सर्कल ले लिए हैं, तो आप इन सर्कल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो ऐसे और इस तरीके से आप इसको बैंड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इनको ऐसे करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप सारे उसके बीच में फोल्ड करेंगे और इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, जिस तरह से मैंने फर्स्ट वाला बताया था उसी तरह से आप क्या कर लेंगे, सारे पेटल्स को आप कंप्लीटली रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, वह ट्राइंगल टाइप का बनाना है हमें। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप सारे ट्राइंगल रेडी कर लीजिए, वाइट में भी, ग्रीन में भी और उसमें भी। ये देखिए, इस तरीके से हमारे सारे ट्राइंगल फोल्ड रेडी हैं और अब हम इनको क्या करेंगे, पेस्टिंग करेंगे। तो पेस्टिंग के लिए मैंने एक वाइट पेपर लिया है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे फेविकॉल पेस्ट करेंगे और वन बाय वन हम इसको पेस्ट करेंगे। और ऑरेंज, ठीक है, फिर वाइट, वाइट को थोड़ा नीचे, मैं इसमें टू टू पेटल्स का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा, जब मैं थ्री पेटल्स का यूज़ कर रही हूँ तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पेपर छोटा है, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है। तो आप इसको थ्री थ्री पेटल्स के, टू टू पेटल्स के उस पर ही आप इसको वर्क करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, देखिए हमारे पेटल्स रेडी हो गए हैं और जहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लग रहा है आप उसको क्या करें, अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए सेट हो गया है। ठीक है, हेक्सागन टाइप का हमारा बन गया है और अब हम क्या करेंगे, ब्लू कलर के सीट से हम लोग सर्कल एक कटिंग निकालेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर पीस लिया हमने और इस पर हम एक सर्कल कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कंपास है तो कंपास की हेल्प से आप सर्कल कटिंग करके भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे इस पे ट्रायंगल के बीच में, देखो ट्राइकलर के बीच में आप क्या करेंगे, और ये आपका बैच रेडी है। अब हम इस पे क्या करेंगे, 3 स्ट्रिप्स हम यूज करेंगे। देखिए साइड में से हमने स्ट्रिप्स निकाल ली हैं, हमने 3 स्ट्रिप्स को लिया है और 3 स्ट्रिप्स को एक साथ क्या कलेक्ट करके उनको इक्वल में कटिंग करेंगे और बीच से फोल्ड करके हम उस पर क्या करेंगे, कट का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक, और इनको ऊपर क्या कैसे करेंगे, ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट के उस पर पेस्ट करेंगे एंड हम बैच के पीछे से हम उसको होल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए बैक साइड में हमने पेस्ट किया। ठीक है, बैक साइड में पेस्ट किया और इसके ऊपर हम एक वाइट कलर का पेपर का पीस उसको पेस्ट कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाला ना निकले। और यहाँ पर हम डबल साइडेड टेप की हेल्प से पिंस यूज़ कर लेंगे और अपने बैच के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारा ट्राई कलर बैच रेडी है। ठीक है, आप इसको बनाएंगे और मुझे वर्क सेंड करेंगे। आप और भी तरीके से बैच बना सकते हो, बहुत तरीके से हैं, तो आप और भी तरीके से बैच बनाकर मुझे वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू क्लास।